بسم الله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والآخرة للمتقين والنار للملحدين والكافرين والعاصين والصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي الأمي المكي المدني القرشي الهاشمي التجتهامي مولانا مولى الصقلين محبوب رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين بالقاسم محمد وعلى الله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المجيد وهو أصدق القائلين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا صلى الله عليه وسلم تین مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر کے برادر بزرگوار مولانا سید ثنا عباس ابن زہیر عباس صاحب کو انتقال کرنے والا گزرنے والا اس دنیا سے گزر کر کے جاتا ہے تو اس کے لبوں پہ ایک شکوا ہوتا ہے. شکوا کیا ہے؟ مرنے والا شکوا یہ کرتا ہے کہ میرے مرنے پہ کوئی روح نہیں رہا ہے. تو جو رکھیے گا مرنے والا یہ کہتا ہے کہ میرے مرنے پہ کوئی روح نہیں رہا ہے. بتانے والے اسے بتاتے ہیں کیوں پریشان ہو؟ تمہارے گھر والے رو رہے ہیں, اہل خاندان رو رہے ہیں, اہل موضع رو رہے ہیں, احباب رو رہے ہیں, پڑوسی رو رہے ہیں, رشتہ دار رو رہے ہیں. آخر یہ تمہارا شکوا کیوں ہے کہ کوئی رو نہیں رہا ہے؟ مرنے والا فوراً کہتا ہے یہ مجھ پہ نہیں رو رہے ہیں بلکہ ان نیکیوں کو یاد کر کے رو رہے ہیں جو نیکیاں میں نے ان کے ساتھ کی تھیں. یہ لوگ مجھ پر نہیں رو رہے ہیں بلکہ ان نیکیوں کو یاد کر کے رو رہے ہیں جو نیکیاں میں نے ان کے ساتھ انجام دی تھی. یعنی ایک جملہ تو بآسانی اب میں آپ تک کہہ سکتا ہوں کہ مرنے کے بعد دنیا میں کوئی انسان کسی بھی ذات پر نہیں روتا بلکہ اس کے کردار پہ آنسو بہاتا ہے. مرنے کے بعد دنیا کا کوئی انسان کسی بھی ذات پر نہیں روتا بلکہ اس کے کردار کو یاد کر کے روتا ہے, اس کے اخلاق کو یاد کر کے روتا ہے, اس کی زندگی کے ہر ہر پہلو کو یاد کر کے روتا ہے. آج آپ دیکھیں جب سے مولانا ثنا عباس صاحب اس دار پانی کو بلا کہہ کر کے دار باقا کی جانب گئے ہیں
हिंदुस्तान ही में नहीं, सिर्फ अंबेडकर नगर में ही नहीं, आप इसे अंबेडकर नगर का जायजा लें। ठीक है, आपके मौजे से उनका ताल्लुक था, तकरीबन 5-6-7 साल आपके मौजे में उन्होंने तबलीग के फराइज को अंजाम दिया है। आपसे कुल्फत थी, आपसे मोहब्बत थी, लेकिन उसके बावजूद कई बस्तियां ऐसी हैं जहां मौलाना सिर्फ एक या दो बार गए हैं या चंद बार गए हैं, लेकिन वहां के लोग भी आज उनके लिए ईसाए सवाब का इंतजाम क्यों कर रहे हैं, तो उसकी सिर्फ एक वजह है कि उन्होंने अपने किरदार से लोगों के दिलों पर वो छाप पैदा कर दी है कि अगर कोई भूलना चाहे तब भी नहीं भूल सकता है। इसलिए कि इंसान की जिंदगी में सबसे अहम विषय का नाम है किरदार, सबसे अहम चीज का नाम है कैरेक्टर। इंसान का यह किरदार जितना बुलंद होता चला जाएगा उतनी ही उसकी यादें बढ़ती चली जाएगी। आप देखें बहुत सारे लोग इस दुनिया से गुजरते हैं, बहुत सारे लोग इस दुनिया को अलविदा कहते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि हर मरने वाले पे हर इंसान रोए, हर मरने वाले पे हर इंसान आंसू बहाए। कभी कभी ऐसा होता है कि मरने वाला पड़ोसी है लेकिन आंखों से आंसू नहीं निकलते, तो जो रखिएगा मरने वाला इंसान का अपना पड़ोसी है लेकिन आंसू नहीं निकलते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है जाहिरन हमारा मरने वाले से कोई ताल्लुक नहीं है, सिर्फ एक या दो मुलाकात हुई थी, लेकिन वही एक या दो मुलाकात ऐसा असर पैदा कर देती है कि फिर इंतकाल की खबर सुनाई दी उस आंखों में आंसू आ गए। क्यों? इसलिए कि आज दुनिया में जाहिर तौर पर पैसों की कोई अहमियत नहीं है, सिर्फ हर इंसान यही चाहता है कलाम करने वाला चंद लम्हे हमसे मोहब्बत से कलाम कर ले, मेहरबानी से कलाम कर ले, लुत्फ कर दे, यही उसका सबसे बड़ा एहसान है। मौलाना की खूबियों में से एक अजीम तरीन खूबी, अक्सर बेशतर मुलाकात होती रहती थी, छोटे भाई की हैसियत से हमेशा मशवरा दिया करते थे, हमेशा यही कहते थे भाई घबराना नहीं, परेशान मत होना, राह सख्त जरूर है लेकिन आसानियों को पैदा करने वाला खुदा है। राह सख्त जरूर है, राह दुश्वार जरूर है, लेकिन आसानियों को पैदा करने वाला खुदा है। किसी भी हाल में अपनों को फरामोश न करना सबसे बड़ी कामयाबी थी। हकीकत यह है बहुत सारे ताल्लुकात, बहुत सारी यादें मरहूम से वाबस्ता है, शायद हर बात को नहीं कहा जा सकता, लेकिन इतना जरूर कह सकता हूं कि अगर आज लोग उन्हें याद कर रहे हैं, लोग उन पर आंसू बहा रहे हैं, हर इंसान अगर उनको याद करके रो रहा है, तो सिर्फ एक वजह, सबसे बड़ी वजह यह है उनका अखलाक, उनका किरदार, लोगों से मिलने का अंदाज, लोगों से गुफ्तगू करने का सलीका, शायद वो संजीदापन, वो आपसी रिश्ता कि बैठने के बाद ऐसा महसूस नहीं होता था कि वो दयाले गैर से आकर के हमारे दरमियान बैठे हैं, बल्कि महसूस हमेशा यही होता था कि कोई अपना बड़ा भाई बैठ करके मशवरा दे रहा, कोई अपना बड़ा भाई बैठ करके मशवरा दे रहा है। ये बात नाज़िम पैमान में मौलाना नूर साहब ने कही थी कि जाहिरी तौर पर तो बाराबंकी से ताल्लुक था, लेकिन अंबेडकर नजर आने के बाद उन्होंने उलमा के दरमियान, मोमिनीन के दरमियान अपने अमल व किरदार के जरिए से वो ताल्लुक पैदा कर लिया कि कभी लगा ही नहीं कि आने वाला बाहर से आया है। जब भी हमारे बज में आया तो ऐसा महसूस हुआ कि भाई अपना अमलों की बज में बैठा हुआ है। सबसे बड़ी हसरत थी, मैंने अर्ज किया कि जितना ताल्लुक, जितना अखलाक का दायरा वसी होगा उतनी ही होने वालों की तादाद ज्यादा होगी। आप बोलते हैं कभी कभी ऐसा होता है कि मरने वाला पड़ोसी है, आंसू नहीं निकलते। यही कहा जाए कि अखलाक को, किरदार का दायरा जितना वसी होता चला जाएगा उतनी ही गम की तादाद ज्यादा होती चली जाएगी। अगर आपके अखलाक का दायरा, अगर आपके किरदार का दायरा सिर्फ गांव तक महदूद है, तो मरने के बाद सिर्फ गांव वाले रोएंगे। लेकिन अगर आपके अखलाक और किरदार का दायरा गांव की सरहद से निकल करके शहर की सरहदों तक पहुंच गया है, तो याद रखिए मरने के बाद सिर्फ गांव वाले नहीं बल्कि पूरा शहर आप में आंसू बहाएगा। लेकिन अगर आपके ही अखलाक और किरदार का दायरा शहर से बाहर निकल कर मुल्कों तक पहुंच गया है, तो सिर्फ आपके शहर वाले नहीं बल्कि कई
यही लिख रहा है, जब भी मौलाना से मुलाकात हुई हमेशा भाई समझा, हमेशा दोस्त समझा, हमेशा रफीक समझा, हमेशा शरीफ समझा। कभी ऐसा महसूस ही नहीं हुआ कि किसी गैर के पास बैठा हूं, बल्कि अक्सर लोगों ने यह लिखा मौलाना सीनियर थे, जूनियर की हैसियत से कोई तालिबे मीरान पहुंचा आकर के पास में ऐसे बैठ गए जैसे बड़ा भाई आकर के पास बैठ करके समझा रहा हो कि दयाए गुरबत में आए हो, परेशान मत होना, हम लोग तुम्हारे साथ हैं। करेक्टर है, लिहाजा इंसान की जिंदगी में अगर सबसे अहम शय कोई है तो ये इंसान की अपनी तर्जी जिंदगी है, ये इंसान का अपना कैरेक्टर है, ये इंसान का अपना अखलाक है। याद रखिएगा, जितना ज्यादा अखलाक बुलंद होता चला जाएगा, हो सकता है कि कुछ लोग इसलिए कि हक के रास्ते पर चलने वाले से हमेशा सब राजी नहीं होते, अपने रास्ते पर चलने वाले से जरूरी है कि हर इंसान राजी हो, लेकिन इतना जरूर है कि आज राजी हो ना हो लेकिन कल जरूर राजी होगा, आज राजी हो ना हो कल जरूर राजी होगा। इसलिए कि खासियत दुनिया यह है, जब तक चीज होती है अजमत का एहसास नहीं होता, लेकिन जब चीज हाथों से निकल जाती है हर हर कदम पे अजमत का एहसास होता है। हमें अजमत का एहसास नहीं हो पाता, लेकिन जिस दिन वो नियमत गुजरती है, जिस दिन वो नियमत छीन जाती है, हर हर कदम पे उस नियमत की अजमत का एहसास होना शुरू होता है। अजीजों, आखिरी मुलाकात गालिबन आप ही के मौजे में 4 अप्रैल को मौलाना से हुई, बाद में इस 1-2 घंटे तकरीबन गुफ्तगू हुई, सिर्फ एक हम मोहन था कि किसी तरीके से दीन का हकीकी पैगाम लोगों तक पहुंचाया जाए। दीन है क्या? दीन फहमी का जज्बा जवानों के अंदर बेदार किया जाए, ताकि जब दीन समझ जाएंगे तो ऑटोमेटिक लोग रस्म रिवाज को छोड़कर के हकीकत दीन तक आने की कोशिश करेंगे। और इस वक्त हमारे समाज की सबसे बड़ी जरूरत यही है, जो पूरा हम मौलाना का था, कि हमारी जरूरत यह है कि हमारा जवान अपने अंदर दीन फहमी का जज्बा पैदा करे। क्यों? जब हकीकी दीन समझ में आ जाएगा तो ऑटोमेटिक इंसान रस्म रवाज को छोड़ेगा, रस्म रवाज को छोड़ करके हकीकी दीन तक आएगा, और जब हकीकी दीन तक आ जाएगा खुदा को पहचान लेगा तो फिर एक आदत का मजा भी आएगा और रूहियत का मजा भी इंसान पाने लगेगा। लिहाजा अगर इबादत का मजा पैदा करना है, अगर ये चाहते हैं कि इबादत में लुत्फ आए, अगर ये चाहते हैं कि हम जो इबादत करते हैं उसका हकीकी लुत्फ ले सकें, कुछ नहीं करना है, बस खुदा की मार्फत पैदा करते चले जाओ, दीन समझते चले जाओ, इंशाअल्लाह इबादत में लुत्फ आना शुरू हो जाएगा। मैं छोटी सी मिसाल दूं, इंसान अपनी इस मुख्तसर सी हयात में रोज जाकर के दुआएं कुमैल पढ़े, शायद दुआएं कुमैल का वो लुत्फ न मिले। कब तक? जब तक वो तर्जुमे से वाकिफ न हो। क्यों? कि जब तक तर्जुमे से वाकिफ नहीं होगा सिर्फ आगू पढ़ता चला जाएगा, उसे पता नहीं होगा कि खुदा से क्या मांग रहा है। लेकिन जिस दिन तर्जुमा पढ़ लेगा वाकिफ हो जाएगा कि खुदा से क्या मांग रहा है, अब उसका मजा अलग है, अब समझ रहा है कि हर हर लफ्ज का माना क्या है, अपने खुदा की बारगाह में क्या इंतमास लेकर के हाजिर हुआ हूं। अब जब दुआ पढ़ेगा खुदा को हाजिर और नाजिर जानते
सेवा करती है, लिहाजा हमको हम ये था कि दीन फहमी का जज्बा। और दीन फहमी कब होगी, इंसान तब समझेगा, इंसान अल्लाह की सबसे अफसल मखलूक है, तवज्जो रखिएगा, इंसान इसमें अल्लाह ताला ने मुतअद्दिद मकाम पर इस इंसान की फजीलत के हवाले से आयत पेश की। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, वलकद करमना बनी आदम वहमलनाहुम फिल बर वल बहर वरज़क़नाहुम मिन अत्तय्यिबात वफ़ज़्ज़लनाहुम अला कसीरिन मिम्मन ख़लक़ना तफ़ज़ीला। इंसान है जिसे हमने बुलंदारम कहला, जिसे हमने अपनी बहुत सारी मखलूकात पर फजीलत अता की है। तो जो रखिएगा छोटा सा सवाल है, यह इंसान अशरफ है, यानी खुदा की तमाम मखलूकात में सबसे अफसल मखलूक का नाम है इंसान। क्या मतलब, अभी अशरफियत का ताज हमेशा बाकी रहेगा। क्या जो अल्लाह ने इंसान को अशरफ बना दिया है, अभी अशरफियत का ताज दायमी है या इसमें कुछ कमी और ज्यादती की जा सकती है? कई अशरफियत का ताज दायमी नहीं है, बल्कि ये इंसान के ऊपर डिपेंड है, ये इंसान के अपने अखलाकों की नाक पर डिपेंड करता है कि इस अशरफियत के ताज को फरिश्तों से आगे लेके चला जाए या अपनी मंजिलत को हैवानों से पस्त करार दे दे। इंसान के अपने ऊपर डिपेंड है, तब वो मेयारात क्या है, तो रखिएगा यही तक आपको लाना मकसूद था, वो मेयारात क्या है कि इस अशरफियत के ताज पहन लेने के बावजूद वो मेयार एक इंसान को दूसरे इंसान से बदल करार दे। एक सलावत पढ़ रहा मोहम्मद वाले, मासूमियत की सीरत उतार के मुताबिक
में दिन भर के आसूते को फराहम करके यहूदियों के बाग में सिंचाई के लिए जाया करते थे। क्यों? क्या दौलत का ना होना इस बात की दलील है कि खुदा राजी नहीं है? हर किसी के अंदर जुरात नहीं थी कि अली से खुदा राजी नहीं था। हर किसी के अंदर जुरात नहीं थी कि मासूमीन से खुदा राजी नहीं था। यानी दलील माल नहीं है बल्कि दलील तकवा है। जिसका तकवा बुलंद होगा वो खुदा के उतना करीब होता चला जाएगा। हमने दामने तारीख में बहुत सारी मिसालें देखी जनाबे असलियत मिसाल आपने सब कुछ तर्क कर दिया खुदा के लिए, सब कुछ छोड़ दिया खुदा के लिए। खुदा ने आवाज दी आसिया तुमने मेरे लिए सब कुछ छोड़ दिया है, याद रखो तुम्हारा मुकाम वो हो गया है कि अब तुम जन्नत का इंतजार नहीं करोगे, जन्नत तुम्हारा इंतजार करेगी। जन्नत तुम्हारा इंतजार करेगी। पहला मेयार तकवा है। एक इंसान को दूसरे इंसान से बदतर बनाता है, एक इंसान को दूसरे इंसान से बाफजीलत करार देता है। दूसरा मेयार क्या मोमिन और फासिक दोनों बराबर हो सकते हैं? बराबर नहीं हो सकते। जिसका ईमान जितना मुस्तहकम होगा वो खुदा के उतना करीब होता चला जाएगा। पहले मरहले में गौर करिएगा, हर इंसान ताज अशरफियत पहन करके कायनात में आया, लेकिन ये दायमी नहीं है। इंसान के आमालो किरदार की वजह से फर्क कर जाएगा। पहला मेयार तकवा, मुख्तसर कर रहा हूं। दूसरा मेयार ईमान। तीसरे मेयार का खुदावंद ने इरशाद फरमाया बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम फतल्लाहु मुजाहिदीन अलल काइदीन। अल्लाह ने राह खुदा में जिहाद करने वालों को घर में बैठे रहने वालों पर फजीलत अता की है। एक तीसरा मेयार अल्लाह की राह में जिहाद है। अच्छा, अब आज के समाज में, आज के इस मुआशरे में जिहाद तो हम कर नहीं सकते, फिर क्या किया जाए? जरूरी नहीं है कि जब इंसान मैदान जंग में जाए तभी जिहाद करे। कभी कभी इंसान को अपनी नफ्स से जिहाद करना पड़ता है और ये नफ्स का जिहाद। चौथी चीज मेयार क्या? खुदावंद ने इरशाद फरमाया हल यस्तवील लजीना يعلمون والذين لا يعلمون। क्या आलिम और जाहिल दोनों बराबर हो सकते हैं? ला इस्तवी, हर भी बराबर नहीं हो सकते। गौर करिएगा, यानी पहले मरहले में हर इंसान ताजा शरफियत पहन करके आया, उसके बाद कुछ मेयारात हैं, कुछ कसौटियां हैं, कुछ कवानीन हैं, कुछ ऐसी चीजें हैं जो एक इंसान से दूसरे इंसान को मुमताज बनाती है, एक इंसान से दूसरे इंसान को बाफजीलत बनाती है। पहले शय का नाम है तकवा, दूसरे शय का नाम है ईमान, तीसरे शय का नाम है जिहाद, चौथी शय का नाम है इल्म। ये चार चीजें। अब अगर इन चार चीजों को आप हयात जिंदगानी है मौलाना सनाब पास में गौर करना चाहें तो तकवा आपने खुद मुलाहजा किया है। मैंने गांव के मोमिनीन से सुना है रात की तारीकी में भी लोगों को नमाज सुबह के लिए बेदार करना आसान काम नहीं होता। हर मरहले में लोगों को खुदा की याद दिलाना आसान काम नहीं होता। याद रखना खुदा ने वादा किया था आगे दरिया दरिया बस्ती बस्ती गांव गांव शहर शहर मौलाना का जिक्र क्यों हो रहा है? दरहाले के बहुत नामवर शख्सियत जाहिर मत में नहीं थी, बहुत पोशीदा शख्सियत। यानी यूं कहा जाए कि कभी कभी कुछ शख्सियात ऐसी होती हैं जो अपनी जिंदगी में कुछ पोशीदा काम ऐसी करके चली जाती हैं कि जिंदगी में तो जाहिर नहीं हो पाता लेकिन मौत के बाद जाहिर होता है। मौसमीन की सीरत आप नजर बता लेते हैं, जब तक मौलाए कायनात जिंदा है किसी को नहीं पता था कि अलीना बीना तक इसको जा रहे हैं, लेकिन जैसे
आप इश्तिहारा शायद देखते हो, सोशल नेटवर्क पे बहुत सारे इश्तिहारा आए हैं, तो वो जगह मौलाना के साहब के लिए महीने से हो रहे हैं। क्यों? तब खुदा ने एक वादा किया था कि तुम मेरा जिक्र करो, मैं तुम्हारा जिक्र करूंगा। बस हमेशा इसी पे इत्तेफाक रखिए, तुम मेरा जिक्र करो, मैं तुम्हारा जिक्र करूंगा। मौलाना सलाम अब्बास ने जिंदगी भर लोगों को यह तलकीन की, खुदा को याद रखो, खुदा के हो जाओ। अल्लाह ने कहा सलाम अब्बास, तुमने लोगों को खुदा के करीब आने की तलकीन की है, तुम्हारी भी शख्सियत को दुनिया पहचान लेगी तुम्हारे इंतकाल के बाद भी। सही, आज दुनिया पहचान लेगी जगह जगह बस्ती बस्तियों उलमा की बस्ती में सन्नाटा है। बहुत सारे उलमा के पैगाम मैंने खुद पढ़े हैं, मुताला किया है, बड़ी बड़ी हस्तियों के, बड़ी बड़ी शख्सियतों के पैगाम को। यानी पहला मियार कब हुआ? इंसान मुत्तकी बन जाए, इंसान परहेजगार बन जाए, खुद ब खुद खुदा के करीब होता चला जाए। दूसरा मियार ईमान, जितना खुदा के साथ पर ईमान मुस्तहकम होगा उतना खुदा के करीब होता चला जाएगा। पर जरूरत यह है, ईमान पैदा करने के लिए मारिफत जरूरी है। बड़ी तवज्जो दीजिएगा, ईमान मुस्तहकम करने के लिए मारिफत जरूरी है। जब तक मारिफत नहीं होगी ईमान पैदा नहीं हो सकता। मौला ए कायनात की जिंदगी, बादे वफाते रसूल, गले में रस्सी का फंदा, मदीने की गली, दो यहूदियों ने देखा अली के गले में रस्सी का फंदा। एक यहूदी ने दूसरे यहूदी से कहा, मैं इस्लाम लाना चाहता हूं, मैं कलमा पढ़ना चाहता हूं। फौरन पढ़ के दूसरे यहूदी ने सवाल कर लिया, पैगंबर ने 23 साल तक तबलीग की, तेरे ऊपर कोई असर नहीं हुआ, आज तूने ऐसा क्या देख लिया कि कलमा पढ़ने पर मजबूर है? उसने कहा, मैं अली के गले में रस्सी का फंदा देख रहा हूं, क्या इसका क्या ताल्लुक? कब मैंने इसी अली के दो उंगलियों के जरिए खैबर को देखा था, आज इसी अली के गले में रस्सी का फंदा देख रहा हूं। आज मुझे यकीन हो गया, अली का कोई काम अपने लिए नहीं बल्कि रिजाए खुदा के लिए है। अगर दो उंगलियों पे जरिए खैबर है वो भी खुदा के लिए है, अगर गले में रस्सी का फंदा है वो भी खुदा की रजा के लिए। हुसैन को छोड़ करके लगना हुआ हुसैन के सहाबियों ने
मुजाहिदीन अलल काइरीन, अल्लाह ने राह खुदा में जिहाद करने वालों को घर में बैठे रहने वालों पर फजीलत बताई। जिहाद के बहुत सारे अकसाम हैं, उन्हीं में से एक जिहाद जिहाद बिन्नफ्स, अपने नफ्स से जिहाद, और शायद सबसे बड़ा जिहाद यही है। इसलिए जब इंसान नफ्स से जिहाद नहीं कर पाता तो जिंदगी के आखिरी मरहले में भी मुमकिन है कि दामने उलूहियत को छोड़ दे। अगर इंसान नफ्स से जिहाद करने की सलाहियत नहीं रखता, मुमकिन है कि जिंदगी में कुछ काम अच्छे अंजाम दे, उसके बाद ये नफ्स है उसे गुमराह कर दे। सुना हो अजला गजब ने लिखा है, आकिले हुसैन से पहले क्या था, मौलाए कायनात के असहाब में था, जंग में मौलाए कायनात शिरकत की है, लेकिन ये नफ्स है जो गुमराह करके करबला अल्लाह के लाके उसे आकिले हुसैन बना देगा। अगर नफ्स पे कंट्रोल हो, इंसान नफ्स से जंग करना सीख ले, तो एक शब्द के अंदर इतना बड़ा फैसला कर लेता है कि फौजे यजीद को छोड़कर के हुसैन के असहाब को शामिल होगा। जिहाद की नफ्स मौलाना की जिंदगी आपके सामने है, सारी चीजें होने के बावजूद एक आलिम दीन तमाम तर कुव्वत के बावजूद कभी उन्होंने अपने को किसी से बड़ा नहीं समझा। हमेशा आप खुद इस बात के शाहिद हैं, शायद आपसे बड़ा शाहिद ऐसी शाहिद अंबेडकर नगर में कोई नहीं होगा कि जब भी कोई आलिम गांव में आ जाता था तो उसके एहतराम उसकी खिदमत में ऐसे लग जाते थे जैसे हां खुद मेजबान हूं। कभी तसव्वुर नहीं कि मैं आलिम दीन हूं, मैं ये काम क्यों करूं, मैं ये काम क्यों करूं, बल्कि खिदमत खल्क को अपना सबसे बड़ा अमल शुमार करते थे। और याद रखिएगा, इंसान की जिंदगी में सबसे बड़ी कामयाबी यह है कि इंसान खिदमत खल्क करे, लोगों के साथ अच्छे ताल्लुकात रखे। याद रखिएगा, अगर लोगों के साथ अच्छे ताल्लुकात नहीं है, अगर समाज और माशरे से कट करके इंसान जिंदगी बसर करता है तो उसे इबादत का कोई फायदा नहीं है। जनाबे मूसा का जमाना, वाकई आपने सुना होगा, एक शख्स जंगलों में खुदा की इबादत कर रहा है, जनाबे मूसा का नमूना अल्लाह से गुफ्तगू करते हैं, जा रहे थे उसने उससे मुलाकात की, कहां जा रहे हैं, अल्लाह से गुफ्तगू करने जा रहा हूं, भरोसा अपनी इबादत पे कि ये सवाल ना करे जन्नत में मैं जाऊंगा या नहीं, बल्कि सवाल ये करे जन्नत में मेरा दोस्त कौन होगा। वो शख्स कहता है, या अल्लाह, अल्लाह से पूछ लिएगा जन्नत में मेरा दोस्त कौन होगा। गए मूसा पलट कर गया है, यार मैं क्या हुआ, क्या जन्नत में तुम्हारा कोई साथी नहीं है, हम यह है कि तुम्हारा जन्नत में कोई हक नहीं है, जन्नत में कोई हक नहीं है। क्यों, मैंने इतनी इबादतें की, इतनी इबादतें की, इतनी तमरीन की है, कहा ये बता जंगल में क्यों आया, कहा इसलिए कि जब वतन में था लोगों के साथ था इबादत कर नहीं पाता था, लिहाजा लोगों को छोड़ करके जंगल में आ गया। कलीमुल्लाह ने फरमाया, अल्लाह के नबी ने फरमाया, तेरी यही अदा खुदा को पसंद नहीं आई कि तू लोगों को छोड़ करके खुदा को याद कर रहा है। कमाल यह है कि लोगों के साथ रह करके लोगों को अपने साथ रख करके खुदा को याद किया जाए। जिहाद अपने नफ्स से जिहाद करना, ये इंसान की सबसे बड़ी कामयाबी। चौथा आखिरी मरहला क्या, मेयार चौथा, पहला मेयार तकवा, दूसरा मेयार ईमान, तीसरा मेयार जिहाद, चौथा मेयार इल्म। हल यस्तवी लज़ीना यालमूना वल्लज़ीना ला यालमून, जो जाहिल हैं और जो आलिम हैं दोनों बराबर हैं, ला यस्तवून, कुरान कह रहा है अरबी दोनों बराबर नहीं हो सकते। हमारी हकीकत क्या है, जब हमने अपनी हकीकत को कुरान मजीद की आयत करीमा के उन्वान से देखना चाहा, तो खुदा ने फरमाया, अल्लाह अखरजकुम मिन बुतून उम्महातिकुम ला तअलमून शैआ। खुदा अपने वजूद की कसम खा करके कह रहा है, खुदा अपने जात की कसम खा करके कह रहा है कि तुम माओ के शिकम से इस हाल में बाहर आए, ला तअलमून शैआ, तुम कुछ नहीं जानते थे। इंसान इस दुनिया में आया, सीखा, सीखते सीखते मराहिल को ठीक, ये इल्म
जो एक इंसान को दूसरे इंसान से बेहतर बनाता है, एक इंसान को दूसरे इंसान से बाफसीलत बनाता है। क्यों? बहुत सारी रवायात हैं, बहुत सारी आयात हैं, सबसे ताल्लुक नहीं है, लेकिन हाँ दो से तीन रवायतें आप सुन लें। पहली चीज अल-इल्मु विरासतुल अंबिया, इल्म मीरासे अंबिया है, इसलिए बाफसीलत है। मौला कायनात हजरत अली इब्न अबी तालिब अलैहि सलाम के पास सवाल आया, आकर के अर्ज करता मौला ये बताइए इल्म अफजल है या माल? इमाम ने फरमाया इल्म अफजल है। क्यों? कहा इमाम ने फरमाया इसलिए कि इल्म मीरासे अंबिया है, माल मीरासे फिरौनों शद्दादों कारून है। पूछने वाला चला गया, दूसरा सवाल आया, आकर के अर्ज करता मौला ये बताइए इल्म अफजल है या माल? इमाम ने फरमाया इल्म अफजल है। क्यों? कहा इसलिए कि इल्म और माल में बुनियादी फर्क है। का फर्क क्या है? का फर्क यह है कि माल खर्च करने से कम होता है, इल्म खर्च करने से बढ़ता है। दूसरा सवाल सवाल करके चला गया, तीसरा सवाल आया, आकर के उसी सवाल के तकरार के मौला ये बताइए इल्म अफजल है या माल? इमाम ने फरमाया इल्म अफजल है। पूछने वाला पूछते मौला क्यों? इमाम ने फरमाया इसलिए कि माल चोरी किया जा सकता है, इल्म चोरी नहीं किया जा सकता। माल चुराया जा सकता है, इल्म चोरी नहीं किया जा सकता। चलो क्या शायद चौथा शायद है, मौला ये बताइए इल्म अफजल है या माल? इमाम ने फरमाया इल्म अफजल है। पूछा क्यों? कहा इसलिए कि इल्म इंसान की हिफाजत करता है, माल की हिफाजत इंसान खुद करता है। छोटी छोटी हदीसें हैं, छोटी छोटी रवायतें हैं जो हमें इस बात की तरफ मुतवज्जे करती हैं कि इंसान की सबसे बड़ी कामयाबी इल्म में है, यानी इंसान इल्म हासिल करे। अजीजों, पहले मरहले में इंसान अशरफ बनकर के आया, लेकिन कुछ मेयारात ऐसे करार पाए, कुछ चीजें ऐसी आई जो कि इंसान को दूसरे इंसान से बेहतर बनाती हैं, एक इंसान को दूसरे इंसान से बेहतर बनाती हैं। पहले शय का नाम है तकवा, दूसरे शय का नाम है ईमान, तीसरे शय का नाम है जिहाद, चौथे शय का नाम है इल्म। मैंने कहा खुदाया क्या कायनात में कोई ऐसी भी जात है जो तकवे के लिहाज से भी बाफजीलत हो, इल्म के लिहाज से बाफजीलत हो, ईमान के लिहाज से बाफजीलत हो, जिहाद के लिहाज से बाफजीलत हो? इंसान से बेहतर बनाती है। लिहाजा इंसानी जिंदगी में कोशिश यही होनी चाहिए कि हम अपनी जिंदगी में कुछ ऐसा जरूर करके जाएं कि मरने के बाद लोग मुझे याद करें। इसलिए कि जमाना बड़ा बेवफा है, जमाने के लोगों से वफा की उम्मीद नहीं की जा सकती है। तब कौन अपना अपनों को परामर्श कर दे? इसी कोविड-19 में, इसी कोरोना के हालात में बहुत सारे वाकयात ऐसे रूमा हुए, जाहिर तौर पे जो मैदान-ए-महशर के मराज़ी बयान किए गए। क्या बाप बेटे से फरार करेगा? बेटा बाप से फरार करेगा, मां बेटे से फरार करेगी, बेटा मां से फरार करेगा, ज़ौजा शौहर से फरार करेगी, शौहर ज़ौजा से फरार करेगा। इसी कोविड-19 में हमने देखा बहुत सारे जनाजे ऐसे हुए कि जहां जनाजा उठाने वाला कोई नहीं मिला, दो दो तीन तीन दिनों तक घर में जनाजा रखा रहा, कोई मैयत उठाने वाला नहीं मिला। क्यों? क्या अपने मौजूद नहीं थे? एक जुमला बड़ी आसानी से कहूंगा, लेकिन आप साहिबा ने बसीरत है तवज्जो करिएगा, क्या कोई अपना नहीं मिला? कहा हां अपना मिलता अगर समाज में गिरा होती, अपना मिलता अगर समाज में शोर होता। याद रखिएगा जिस समाज में दीदारी हो, जिस समाज
की है, हमारी जिम्मेदारी यही सबसे बड़ी है, दीदारी पैदा करें, शोर पैदा करें। इसलिए कि दो लफ्ज हैं, एक शोर है, एक शोर है, बहुत ज्यादा फर्क नहीं है शोर और शोर में। शोर और शोर में सिर्फ अगर ऐन को हटा दिया जाए तो शोर है, ऐन मिला दिया जाए तो शोर है। अब उस ऐन से मुराद चाहे इल्म ले लें, चाहे अलम ले लें। अगर इल्म होगा तो इंसान शोर से काम नहीं करेगा, शोर से काम करेगा। लिहाजा जरूरत सबसे बड़ी जरूरत, मैं मौलाना के जुमले को कोट कर रहा हूं, अक्सर हम लोग अंगे था दीनदारी वाली। और जब रस्मों के खिलाफ बयान करना शुरू कर देंगे, दीन खुद बखुद आसान हो जाएगा। जिस दिन हमने रस्मों को खत्म कर दिया, दीन आसान हो जाएगा। दीन की सबसे बड़ी मुश्किल यही है कि हमारे रस्में शामिल हैं। ये प्रोग्राम फला दिन नहीं होगा, ये प्रोग्राम फला दिन नहीं होगा, ये काम फला दिन नहीं कर सकते, ये काम फला दिन नहीं कर सकते। बहुत सारे रस्में हमारे मौजूद हैं। इन रस्म रवाज को समाज से बाहर निकालिए, दीदारी पैदा कीजिए। इसलिए कि हुसैन ने करबला में जाहिलों को तलब नहीं किया, हुसैन ने करबला में सिर्फ एक बुलाया मगर फकीह ही बुलाया। एक बुलाया फकर के, लेकिन बुलाया तो फकीह ही बुलाया। अच्छा, क्या जरूरत है हुसैन लफ्ज फकीह का इस्तेमाल करते? बड़ी तवज्जो रखिएगा इस बात पे, क्या जरूरत थी हुसैन लफ्ज फकीह का इस्तेमाल करते? हुसैन के बचपन के दोस्त हैं, हुसैन कह सकते थे मेरा हुसैन गरीब हुसैन नाम ले सकते थे, हुसैन दोस्त कह सकते थे, सब कुछ कह सकते थे, लेकिन हुसैन ने कुछ नहीं कहा। एक जुमला था, मेरे हुसैन गरीब एलन फकीर, गरीब हुसैन की जानिब से मर्द फकीर की जानिब, यानी हुसैन ने कयामत तक के लिए इशारा कर दिया। अगर हुसैन को जरूरत है तो फकीरों की जरूरत है, जाहिलों की जरूरत नहीं है। लेकिन क्यों याद कर रहे हैं? इसलिए कि गुज़िश्ता 6 साल से मौलाना से ऐसा ताल्लुक हो चुका है कि अब मौलाना गैर नहीं लग रहे। अल्लाह हाँ सदा अब बोले कलाम से मैं देख रहा हूं कुछ लोगों की आंखें शुरू से नम है, इसलिए कि गम बहुत बड़ा गम है। आपकी बस्ती का रहनुमा, आपकी बस्ती का लीडर, हर कदम पे हर इंसान के काम आने वाला। आप ऐसे हुए हैं मौलाना, मुझे पता चला है कि जैसे कोई अपनों पे होता है, हम यही पकड़े रखूंगा। आप ऐसे ही फंसुबा आइए कि आपने एक अपने को जुदा किया। बस अल्लाह बहुत तेज सोच रहा था कि आज किसका मसाइल पता जाए, उसका किसे दिया जाए। खत्म हुई है वहीं से शुरू करके जवाहर में आलिम की हैसियत से आए थे, हमेशा वहां जिंदगी बसर गई, जिंदगी बसर करके चले गए, अस्पताल पहुंचे, बड़ी दुआएं की आपने, बड़ी मुनाजातें की आपने, अल्लाह आपको सलामत रखे, अल्लाह कोई और कम न दे उसके बाद किया जाए। इसलिए कि मौलाना ने आपके गांव में भेजा,
आज दुनिया में आया था सबसे पहले आपकी ज़्यादा आखिरी वक्त है शायद आपकी ज़्यादा नसीब हो जाए, लेकिन आपका वाली वो तो एक आंख में थी, एक आंख में खून। हुसैन ने आंख से खून को सांप दिया, भाई ने भाई को देखा, एक उसी ये जब आप से और की मेरे लाशे को खैमे में ले जाना, मैं सकीना से शर्मिंदा हूँ। जहां मोहम्मद वाले मोहम्मद के चाहने वालों की जान माल इज्जत आबरू की हिफाजत फरमा। मेरे मां